जय हिंद डियर स्टूडेंट, दिस इज श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड यू आर स्टडी कंप्यूटर सब्जेक्ट। सो टुडे टॉपिक इज इन द पाइथन चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल फॉर फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट वेब एड्रेस। मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है बिना पैसे का आप इसका यूज कर सकते हैं और यह इसकी ऑफिशियल जो वेब एड्रेस दिया गया है आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो HTTP एड्रेस है www.python.org, इट इज़ ओपन सोर्स, दैट इज एनी वन कैन मेक चेंजेस इन द सोर्स कोड फ्रीली। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विथ द लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, etc। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लैंग्वेज को पाइथन को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं विथ लैंग्वेज, किस किस लैंग्वेज के साथ, जैसे सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ या जावा हुआ या ढेर सारे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनके साथ हम इसको रन करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रेटेड। इट is an interpreted language, that is the code executed line by line at a time। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कोड होंगे वह एक टाइम पर लाइन बाय लाइन रन करते हैं और जारी होते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वन बाय वन। तो दिस मैक्स, इसके थ्रू क्या हो जाता है, डिबगिंग इजी एंड इज दस द सुटेबल फॉर बिगिनर्स। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको अगर जो कोई एरर आ जाए, आपके कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसके उसके एरर को खोज सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन कोडिंग किया हुआ है या आपका जो कोडिंग है वह लाइन बाय लाइन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यह आपके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन सपोर्ट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बताया गया कि यह जो पाइथन आपका लैंग्वेज है वह सपोर्ट करता है हर लैंग्वेज को, एंड इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह क्लासेस में डिवाइड होते हैं और इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं आप उसको भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आपको हर चीज़ खोजने में बहुत आराम मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। तो इट इज पोर्टेबल एंड कैन रन क्विकली एंड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पाइथन लैंग्वेज है वह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से रन कर सकता है, जैसे विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ या यूनिक्स हुआ या मैक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पाइथन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैन बी डेवलप्ड यूजिंग पाइथन। तो इसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम इसको डेवलप कर सकते हैं पाइथन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग पाइथन। अब हम कैसे पाइथन को ओपन करते हैं, होप आपने अभी पाइथन के जो फीचर्स होते हैं उनको समझा। अब हम आते हैं पाइथन को कैसे ओपन करते हैं। तो ओपनिंग ए पाइथन इन पाइथन सेल यू कैन वर्क इन टू वेज। आप पाइथन पे जो आप करना चाहते हैं उसको दो तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। तो वर्क करने के लिए दो रास्ते दिए गए हैं, एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो लेट्स लर्न अबाउट देम, चलिए उनके बारे में हम सीखते हैं। तो पहला आता है, पहला पॉइंट है इंटरैक्टिव मोड। अब ये इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, तो इन द इंटरैक्टिव मोड यू कैन टाइप द कमांड इन द विंडो। इंटरैक्टिव मोड में आप क्या करते हैं, अपने कमांड को टाइप करते हैं विंडो पर, एंड पाइथन इंटरप्रेटर विल एक्सेक्यूट एंड एक्सेक्यूट द कमांड्स एंड गिव द रिजल्ट इमिडिएटली। तो आप जो विंडोज पे टाइप करते हैं वह तुरंत क्या करता है, आपकी कमांड को रीड करता है और तुरंत इमिडिएटली रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यह हो गया इंटरैक्टिव मोड। तो टू वर्क इन द इंटरैक्टिव मोड फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। अब स्टेप दिए गए हैं अगर जो आपको इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करना है। तो पहला है, द फर्स्ट इज स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन पाइथन 3.7। तो 3.7 इज द वर्जन।
तो पाइथन 3.7 यू कैन ओपन लेटेस्ट वर्जन पाइथन, क्लिक ऑन द आइडल पाइथन 3.7 32 bit एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस इज द इमेज, दिस इज द प्रोसेस हाउ टू ओपन इट यू नो वेरी वेल एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द स्क्रीन। द कमांडेड इंटरप्रेटेड विंडो ओपन्स वेयर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट। तो यह जो विंडो आ जाएगा तो आप पाइथन का एक प्रॉम्प्ट देखेंगे। सो दिस इज द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पाइथन। तो ये जो तीन डॉट लाइन बनी हुई है यही पाइथन का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसके आगे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टाइप द कमांड एट द प्रॉम्प्ट एंड प्रेस इंटर की। जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड, डॉट डबल कोट में हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड। तो अभी आपने देखा कि हमने क्या टाइप किया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड टाइप करते ही आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो हम ये था आपका इंटरैक्टिव मोड। नेक्स्ट मोड है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, तो यू कैन नॉट सेव द कमांड्स, आप सेव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेव द कमांड इन द इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में आप कमांड को सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड यू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन कमांड एट ए टाइम, आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही कमांड को जारी कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू रीयूज सम कमांड्स एंड एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ कमांड यू नीड टू सेव इट इन द फॉर्म ऑफ पाइप। तो अगर जो आपको उस कमांड को फिर से यूज करना है या ढेर सारे कमांडों को यूज करना है और उसको जारी करना है, तो उसके लिए आपको अपने फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। और सेव कहाँ करते हैं, फाइल मेनू में जाकर। तो यू कैन डू दिस इन द स्क्रिप्ट मोड। तो आप इस उस चीज़ को स्क्रिप्ट मोड पे करेंगे, किस चीज़ को, अपने फाइल को सेव करेंगे और ढेर सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड। चलिए पहला प्रोग्राम बनाते हैं स्क्रिप्ट मोड पर। तो वी सेल नाउ क्रिएट ए सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं इन पाइथन टू डिस्प्ले ए मैसेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाने के लिए द बेसिक स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोग्रामर, जो उसके बेसिक स्टेप दिया गया है प्रोग्राम करने के लिए वो नीचे दिया गया है। पहला है क्रिएटिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम, हम क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम को राइट करेंगे। और दूसरा है एग्जीक्यूटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम, दूसरा है उस प्रोग्राम को जारी करेंगे या उसको रन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जीक्यूटिंग और रनिंग द पाइथन। तो हम आते हैं एग्जीक्यूटिंग एंड रनिंग द पाइथन। तो आफ्टर क्रिएटिंग ए फाइल इन पाइथन यू हैव टू रन इट इन द गेट द डिजायर रिजल्ट। तो आपने ने पाइथन को क्रिएट कर लिया है तो आप उचित रिजल्ट पाएंगे। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप, इसके लिए आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है क्लिक ऑन फाइल मेनू ओपन, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन्स, सेलेक्ट योर प्रोग्राम फाइल, क्लिक ऑन ओपन बटन एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ टू ओपन योर फाइल। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन रन एंड चूज रन मॉड्यूल ऑप्शन, यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम इन द विंडो, ठीक है। तो इट विल बी एग्जीक्यूट ऑल द कमांड, इसके थ्रू आपका कमांड क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। सो चलिए हम एग्जीक्यूटिंग और रनिंग ए प्रोग्राम के पहले क्रिएटिंग एंड राइटिंग ए प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे रन कराते हैं, तो जो हम रन कराएंगे उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्रिएटिंग एंड राइटिंग ए प्रोग्राम। तो स्टार्ट पाइथन आइडल एंड क्लिक ऑन फाइल मेनू, ये थोड़ा था स्टार्टिंग। पहले हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, क्लिक ऑन न्यू फाइल ऑप्शन, ए विंडो ओपन्स, न्यू फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर एक नया विंडो आएगा, वहाँ पर रहेगा न्यू फाइल। स्टेप नंबर थ्री, टाइप द कमांड्स वट एवर यू वांट। तो हमने अभी आपको बताया कि फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू फाइल ऑप्शन, ए विंडो ओपन्स, वहाँ पर टाइप द कमांड्स वट एवर यू वांट, टाइप कमांड टाइप करेंगे जो भी आप चाहते हैं। जैसे हमने प्रिंट आ गया, हमने क्या टाइप किया, हेलो वर्ल्ड, डॉट डबल डॉट में और इन्वर्टेड कोट में हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्टेप नंबर फोर में आते हैं, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन एंड द फाइल। फिर हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पे जाएंगे, सेव
सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल यू हैव टू बी सेव, गिव द सुटेबल नेम इन योर प्रोग्राम। फिर जैसे आप फाइल सेव करते हैं, एक नाम डालकर उसको सेव कर देंगे, क्लिक ऑन सेव बटन, फाइल सेव हो गया, ठीक है। और ये था आपका क्रिएटिंग एंड राइटिंग ए प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सिक्यूटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम, इसको आपको अभी इसके पहले पढ़ाया गया था। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।